अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 53. It's the last topic of our chapter number 3 of 9th class and the topic of today discussion is electronegativity. Today we will discuss about electronegativity. First we will discuss about what is electronegativity. Electronegativity means tendency to attract sheer pair of electrons toward itself in a molecule. एक मॉलिक्यूल में या एटम में इसके अपने आप में ही अट्रैक्शन होती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन attraction to sheer pair of electron toward itself or itself in a molecule is known as electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. Let's discuss example of ionic bond and covalent bond. First we will discuss about what is ionic bond. Ionic bond is the form by the transfer of electron from one atom to other atom. Like अगर हम लोग example लें HF की या हाइड्रोजन क्लोराइड की example लें, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के एग्जाम्पल लें तो क्या है, क्लोरीन में हमारे पास कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं? हाइड्रोजन इज द बिलोंग टू ग्रुप 1, इट्स मीन टू से के इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा. हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है. क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है. तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे हाइड्रोजन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या कर लेगा? ट्रांसफ़र कर देगा विद क्लोरीन. क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन ऑन द बेसिस अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बना देंगे. और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन के साथ, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड. लेकिन जब वो ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में शेयर पेयर कर लेंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कर लेगा इसके साथ, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? इट्स द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और जब ये शेयर कर लेंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, तो इट्स मीन के कोवलेंट बॉन्ड होगा. कोवलेंट बॉन्ड के भी एग्जाम्पल लें हम लोग तो क्या होगा, कोवलेंट ये जो जब अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर लेंगे आपस में, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे आपस में तो इसको नाम क्या देंगे? कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट मीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या नाम देंगे? कोवलेंट बॉन्ड. इन द रिजल्ट एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जिसको नाम दिया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो कि शेयर करती है, शेयर पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के एग्जाम्पल लें हम लोग तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन की एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन के पास है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन क्या करेगी? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। क्लोरीन क्या करेगी? ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्या है? किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है शेयर होने के लिए। इलेक्ट्रॉन को द अट्रैक्शन ऑफ एबिलिटी मोर टू इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो के लोन पेयर को या कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा शेयर पेयर होने में अट्रैक्ट करती है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि बॉन्ड हमारे पास कौन सा होना चाहिए? बॉन्ड मस्ट बी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। वो मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड कौन सा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो हो रही है? बॉन्ड मस्ट बी कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? इट मस्ट बी कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करती है या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो होता है अट्रैक्शन एबिलिटी वो अपनी तरफ ज्यादा करती है, तो उसको क्या नाम देना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन है, तो इसमें क्या होगा? इनमें जो बॉन्ड बनेगा इट मस्ट बी कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये अपनी तरफ ज्यादा क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर होने में। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रही है? ज्यादा खींच रही है शेयर पेयर होने में। तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है? विच वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? जो चीज अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को शेयर होने में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इट्स मीन कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात तो हम लोगों ने कर ली कि इट मस्ट बी कोवलेंट बॉन्ड। तो अब कोवलेंट बॉन्ड की भी 2 टाइप्स होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? एक एटम अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिसके रिजल्ट में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव उसमें जो है ना डिवेल्प हो जाता है चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इन द रिजल्ट एक चीज पे पार्शियल पॉजिटिव चीज डिवेल्प हो जाएगी, एक चीज पे पार्शियल नेगेटिव डिवेल्प हो जाएगी। मतलब 50-50% शेयरिंग हो रही है। तो इट्स मीन इट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर पेयर होगा इन द रिजल्ट इट फॉर्म और डिवेल्प partial positive charge और partial negative charge on an atom of molecule is known as polar covalent bond. पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? एक एटम अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब वो अपनी तरफ ज्यादा चीज को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इस मीन के उस पर जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा और जिस चीज से वो लेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा लाइक हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? इन द रिजल्ट्स दे फॉर्म और डिवेल्प द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, डिवेल्प कर देगा ड्यूरिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा उसमें, उसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, उसको क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब कि किसी भी एटम की एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर पेयर होने को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ ज़्यादा, उसको क्या नाम देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आयनिक बॉन्ड देखा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है, इट इज द फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है, इट इज द फॉर्म बाय द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड इज द फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Covalent bond is the formed by the sheer pair of electrons. Covalent bond is the formed between the sheer pair of electrons. और covalent bond के भी आगे से दो टाइप्स हैं, polar covalent bond and non-polar covalent bond. Polar covalent bond में क्या होगा कि attraction होगी sheer pair of electrons की, तो वो क्या कर देंगे, डिवेल्प कर देंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम। इन द रिसर्च जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की डिवेलपमेंट होगी तो उसको नाम क्या देंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। उनको क्या देंगे नाम, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशली जब कोवलेंट बॉन्ड एलिमेंट होते हैं और उनको कंसिडर किया जाता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो जब दो तरह के होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो वो कौन सा होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है, इट मस्ट बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, इट मस्ट बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इट मस्ट बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। लाइक अगर कोई चीज़ जो है वो इनमें हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 7। हाइड्रोजन के पास है 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, क्लोरीन जो करेगी वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की एबिलिटी इसके पास ज़्यादा होगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए। तो क्या होगा, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन द रिजल्ट इट फॉर्म अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट डिवेल्प अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान होगी। और कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा होना चाहिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा होना चाहिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, इट मस्ट बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। और कोवलेंट बॉन्ड आगे देखें तो किन दो एटम्स के दरमियान बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के दरमियान बनता है। क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। लाइक अगर कोई हम लोग नॉन मेटल देख लें, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हमेशा ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अमोनिया, इट मस्ट बी बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा किन दो चीज़ों के दरमियान बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई। और इट मस्ट बी फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट एलिमेंट, कि दो डिफरेंट एलिमेंट जिनमें जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा बनेगा। लाइक इसमें जो है एक पार्शियल पॉजिटिव है, एक पार्शियल नेगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? इन द रिजल्ट दे विल फॉर्म पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो दो डिफरेंस एटम के दरमियान जो डिफरेंट एटम होंगे, इन द रिजल्ट दे हैव द ऑपोजिट चार्ज, इन पे ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। उस चीज को वो कौन सा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। लाइक इनकी समझ आ गई कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन में जो बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के दरमियान शेयर होते हैं, तो इन द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड नेम इज कोवलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या नाम दिया है? कोवलेंट बॉन्ड का। और कोवलेंट बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है बिटवीन नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, लाइक हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन कैरियन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम के दरमियान मीन्स के एक जो एटम है उसकी वैल्यू बहुत कम हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई हो। एक जो है वो हमें पॉजिटिव एंड दे रहा हो और दूसरा जो है एटम हमें नेगेटिव एंड दे रहा हो। क्यों एक पॉजिटिव एंड क्यों दे रहा है, एक नेगेटिव एंड क्यों दे रहा है? एक जो एटम है उसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है अपने आप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने की। इन द रिजल्ट दे विल फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। क्या होगा? इन द रिजल्ट दे विल फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? इसमें ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर करने की, इलेक्ट्रॉन को की अट्रैक्शन। इट हैज़ द मोर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल लें तो इसमें ज़्यादा एबिलिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके दरमियान होगी? कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनके दरमियान होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी टू बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान होनी चाहिए, नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होनी चाहिए, और डिफरेंट एटम के दरमियान जो होगी वो शो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो एंड नेगेटिविटी क्या है? सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। टेंडेंसी एटम की है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान होगी, कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान होगी। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस किस के दरमियान बनता है? कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, और एटम जो है वो डिफरेंट, जो नॉन मेटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। वो एटम मस्ट बी डिफरेंट, दे हैव द डिफरेंट नेचर। लाइक पॉजिटिव, एक एंड अगर पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव देगा। और कोवलेंट बॉन्ड भी कौन सा होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड मस्ट बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड मस्ट बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। आगे हम लोग ग्रुप्स और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है ये सेम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह ही। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक साइज को अगर हम लोग मद्देनजर रख के करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है ग्रुप्स में। ठीक है, उसी तरह ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है इन द पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन पीरियड्स, सबसे पहले बात करनी है पीरियड्स की। पीरियड्स में क्या होता है? पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। पीरियड्स में क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज। पीरियड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? जब हम लोग पीरियड्स में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटम का साइज जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। एटम का साइज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या होता है? हाई चार्ज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के साथ एटम का। जब चार्ज जो है वो छोटा हो जाएगा एटम्स का, जब साइज जो कोलैप्स कर जाएगा छोटा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इट्स मीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या है कि पीरियड्स में इंक्रीज हो जाती है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हायर जो होता है क्या होता है? इसका एटॉमिक रेडियाई इसका कम हो जाता है। साइज जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है तो जो डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ होगा वो स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली हो जाती है उनमें, तो जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाती है। जब एटम का साइज जो है एटम का साइज छोटा होगा तो क्या होगा? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी भी एनहांस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी भी एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इन द ग्रुप इन द पीरियड टू की एग्जाम्पल लेके। सेकेंड पीरियड में हमारे पास आ रहे हैं, सेकेंड पीरियड की एग्जाम्पल लें। लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनकी एग्जाम्पल लें तो लेफ़्ट से राइट क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इन द लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? 1। और जब लेफ़्ट से राइट तक आए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4। इनकी वैल्यूज जो है वो आपकी बुक पे मेंशन है 1.6 टू, ये फर्दर ऑन आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। तो क्या होता है जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें सोडियम और लिथियम की, बॉन्ड इनके दरमियान का होगा इट इज़ द नॉन मेटल एंड इट इज़ द मेटल। इधर पहले ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इधर लो है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लाइक हम लोग अगर ये एग्जांपल लें लिथियम में, लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, 1। तो हाइड्रोजन में 1 है, तो ये क्या कर लेंगे, इसमें जो है ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग फ्लोरीन की एग्जांपल लें, तो क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर एबिलिटी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इसमें, ठीक है। फ्लोरीन के पास कितने हैं, फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9। फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर जितना हाई होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। एटम का साइज कम होगा, कोलैप्स करता जाएगा, जितना एटम का साइज क्या कोलैप्स करता जाएगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इट्स मीन कि शेयर पेयर करने की अट्रैक्शन, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा एबिलिटी किस में होगी, अट्रैक्शन किस में होगी ज़्यादा, फ्लोरीन के पास। ज़्यादा अट्रैक्शन किसके पास होगी, फ्लोरीन के पास। लिथियम और फ्लोरीन का एग्जाम्पल लें तो ज़्यादा अट्रैक्शन किसके पास होगी, फ्लोरीन के पास। तो इट्स मीन टू से कि पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग एग्जांपल लें ग्रुप्स की, ग्रुप्स में देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो होता है ग्रुप्स में वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ग्रुप्स में क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। क्यों, जब ग्रुप्स में बात करते हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं अब हम लोग, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो वीक होती जाती है। अट्रैक्शन क्या होती है, वो वीक होती जाती है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लाइक हम लोग ग्रुप 17 की एग्जांपल लें हेलोजन फैमिली की, तो क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4, क्लोरीन की 3.2, 3.0 एंड 2.7। जब हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम इन द पीरियड्स इन द ग्रुप्स, तो क्या होता है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं इन द ग्रुप्स तो साइज हमारा इंक्रीज होता जाता है। साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। साइज जब इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, इट्स मीन के वो जो अट्रैक्शन होगी जितनी बैलेंस शेल के साथ न्यूक्लियस की, वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ही अट्रैक्शन, शेयर पेयरिंग की अट्रैक्शन कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी। उतनी ही शेयर पेयर की अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उतनी ही क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट्स मीन कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसकी वैल्यू, इन विच द हेलोजन फैमिली विच हैज़ द लेस और लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोडीन, आयोडीन हैज द लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी विद इंक्रीज द साइज। जब साइज इंक्रीज होता जाएगा तो शेयर पेयर अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। शेयर पेयर अट्रैक्शन क्यों डिक्रीज होती जाएगी, जो बैलेंस शेल का न्यूक्लियस के साथ जितना जितना दूर जाता जाएगा उतनी ही अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उतनी ही अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उतनी ही अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो सो जो बैलेंस शेल होंगे इनकी एबिलिटी शेयर पेयर करने की न्यूक्लियस के साथ कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इन दिस लेक्चर इफ वी डिस्कस आवर समरी, तो क्या आज हम लोगों ने पढ़ा कि आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किन दो कब बनता है, जब दो एटम के दरमियान शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होती है। इन द रिजल्ट दे विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, कोवलेंट बॉन्ड इज द फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल की नेचर जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए और किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इट मस्ट बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए और डिफरेंट एटम के दरमियान बनना चाहिए। ठीक है, लाइक एक पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा तो एक पार्शियल नेगेटिव एंड होगा। जो चीज़ जो एटम जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा शेयरिंग पेयरिंग की अट्रैक्शन रखता है, इन द रिजल्ट इट फॉर्म द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अदर एटम, जिससे वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स उन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन द रिजल्ट दे फॉर्म द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शो करेगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड। आगे हम लोगों ने ग्रुप्स में और पीरियड्स में बात की। ग्रुप्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप साइज जो होता है एटम का इंक्रीज होता जाता है, सो साइज इंक्रीज होता जाएगा तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। शेयरिंग पेयरिंग अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सो शेयरिंग पेयरिंग अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में क्या था? इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड्स तो क्या होता है, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता जाता है, साइज जो है वो कोलैप्स करता जाता है। सो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन होगी शेयरिंग पेयरिंग अट्रैक्शन जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी ही जो है होगी वैलेंस शेल की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगी। तो सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी? पीरियड्स में ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन द पीरियड्स ज़्यादा हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और याद रखना है कि दो डिफरेंट कंपाउंड जो डिफरेंट नेचर शो कर रहे होते हैं कंपाउंड, वो जो है वो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो होगी। एंड दिस वाज द लास्ट लेक्चर और लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर थर्ड। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद रखना है आप लोगों ने, इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड और डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप्स। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ग्रेटर होता है, एटम का ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ग्रुप्स में और इंक्रीज होती है पीरियड्स में। एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज होता है ग्रुप्स में और डिक्रीज होता है पीरियड में। ठीक है।